हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हरीश, आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारत दर्शन विद एचएसबी। दोस्तों, फिर से मेरे इन खूबसूरत राज्य से आपका मेरे नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं हूं रानीखेत में और ये है गोल्फ कोर्स रानीखेत। चलिए आपको भी दिखाते हैं, इस ब्लॉग में रानीखेत दिखाएंगे आपको हम। तो आप मेरे ब्लॉग बने रहिए। तो ये है रानीखेत का गोल्फ कोर्स, गोल्फ राउंड। ये मंगलवार को 11 बजे से 4 बजे तक खुलता है और दिन 11 से 2 बजे तक खुलता है, बाकी दिन बंद रहता है। ये है गेट। तो अभी तो पूरा पिरूल गिरा हुआ इधर, नहीं तो एकदम ग्रीन रहता है। ये डिफेंस लैंड है। ये है गोल्फ कोर्स का, बहुत ही शानदार इधर एकदम, जो है रानीखेत में सारे चारों तरफ चीड़ के पेड़ हैं। बहुत तेज धूप रही, अभी तो बहुत तेज धूप है। देखो पूरा गोल्फ कोर्स एकदम ग्रीन होता है, लेकिन ये पिरूल इतना गिरा हुआ ना, ये चीड़ के जो पेड़ हैं, इससे इसमें सब पिरूल गिरा, तो इसका कलर अजीब सा हो गया है, नहीं तो एकदम ग्रीन है ये। और मैं हूँ अभी गोल्फ कोर्स रानीखेत, बहुत ही मशहूर ग्राउंड है, आर्मी का है ये वाला ग्राउंड। देखिए लोग इतनी धूम में भी घूमने जा रहे हैं, सामने कहाँ कहाँ तक गए हुए लोग। और ये 2 बजे तक ही खुलता है, 11 बजे से 2 बजे तक खुलता है गेट, इसके बाद बंद हो जाता है। इसका टाइमिंग देख लो अगर आना है तो कभी इधर। रानीखेत गोल्फ कोर्स अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था 1869 में। 9 होल है इसके अंदर और एशिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स ग्राउंड है ये, जो है रानीखेत उत्तराखंड कुमाऊं डिवीजन में। तो ग्रीन जब बारिश होगी तो उसके बाद कुछ इस तरह से दिखेगा ये, फोटो में लगा हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम पहुंचे हैं बाबू धाम। ये है बाबू धाम, जो मचखाली से करीब 4 किलोमीटर की दूरी और रानीखेत से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, बाबू धाम टेम्पल। देखो कुछ इस तरह से इधर, तो अभी मैं पहुंचा हूं बिनसर महादेव, जो है रानीखेत से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये है बिनसर महादेव, चलो। तो मैं पहुंचा हूं बिनसर महादेव स्वर्ग आश्रम। बिनसर महादेव ये गेट है, गेट यहाँ से बंद है, यहाँ पर बैठने का आराम करने का है। और यहाँ पर आपकी सब पार्किंग है गाड़ी, देखो मेरी गाड़ी पर है। और यहाँ पूरा जंगल चारों तरफ, भारी जंगल है। यहाँ से हम जाएंगे, और इधर एक बिल्ली है, यहाँ पर घंटियाँ हैं लगी हुई, देखो ये है घंटी। घंटी का साइज साइज से लगा रखे, पहले बड़े फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो ये
और ये हमारे सर, ये आए हैं गुजरात से, सूरत से आए हैं, छह लोग हैं, अभी दिखाता हूँ सबको एक एक करके। और ये इनकी धर्म पत्नी, और ये हमारे साहब हैं, और ये आए हैं सूरत से, सर सूरत ही है ना, सूरत से आए हैं, पीडब्ल्यूडी के, हाँ पीडब्ल्यूडी के अफसर हैं, और उनकी वाइफ है, और वो साहब उधर हैं, ठाकुर साहब उधर हैं, और उनकी धर्म पत्नी है वो आपकी, और ये इनकी, हाँ आ जाओ सब आ जाओ इधर, ठाकुर साहब, ठाकुर बलदेव सिंह, ठाकुर साहब है वो भी बड़े अफसर हैं, हाँ अफसर हैं मुझे पता है, उनने बताया था। तो ये सब सरकारी डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, तो ये लोग, इनको उत्तराखंड घुमा रहा हूँ मैं। आज हम आए हैं बिनसर, रानीखेत से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है बिनसर, तो आज का स्टे हमारा रानीखेत है। तो ये सर मतलब टोटल छह लोग हैं मेरे साथ, दिल्ली से टूर कर रहे हैं, और फिर हम नैनीताल अच्छा जाएंगे, उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे। अच्छा, और बहुत अच्छे आदमी हैं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है आपके लिए। और ये देखिए घंटी बहुत सुंदर लग रही है, देखो बड़ी छोटे छांट छांट के लगाई है सब जगह। तो इसका नाम है एक्चुअली में श्री स्वर्गाश्रम बिनसर महादेव गीता भवन, जो सोनी देवली खेत जिला अलमड़ा में पड़ता है ये। भगवान श्री राम, श्री राम दरबार, ओ श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम। मंदिर प्रवेश इधर को है, राधा कृष्ण श्री हनुमान जी, ऊपर चलते हैं यहां से ऊपर की ओर, कालिका माता है। विष्णु जी की शानदार प्रतिमा बनाई है इधर।
तो यह मंदिर के छत में कुछ शानदार नजारा नीचे। सामने क्या लगा देखो, आई लव बिनसर। तो दोस्तों ये था मेरा रानीखेत बिनसर महादेव का ब्लॉग। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।